अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबाद रिटर्न्स किचन। आज हम बनाएंगे करी और गोश्त का दुप्याज़ा। तो इसके लिए ली मैं प्याज, ले ली मैं बड़े साइज़ के, चार कट करके ले ली मैं इस तरह से। इसको कुकर में डाल देंगे हम। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे, गोश्त को धोके ले ली मैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, दो स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाली मैं। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। हल्दी पाउडर डाल देंगे आधा स्पून, नमक डाल देंगे दो स्पून, नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। कुकिंग ऑयल डाल देंगे, अब हम इसको अच्छा मिक्स कर देंगे। तो प्याज में प्याज ज़्यादा लगती, अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरा। थोड़ी देर तक इसी तरह से भून लेंगे हम। थोड़ी मिर्ची की स्मेल ख़त्म होने तक भून लेंगे हम। अब हम इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर काट के डाल देंगे, थोड़ी कोथमीर डाल देंगे, अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, एक गिलास पानी डाली मैं। पानी डालने के बाद में सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गोश्त गलने तक ढक्कन ढक के पका लेंगे। जब तक हम करी काट के घस के रख लेंगे, एक करी में से आधी करी डाली में इस तरह से छिल लेना, छिल के ब्रोकश पे घस लेना, ग्रेट कर लेना। आपको खटना जितना लगता वो हिसाब से डालिए। चेक कर लेंगे गोश्त को, ये देखिए पानी कम हो गया। अब हम टमाटे और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। कैरी नहीं डाले तक ही प्याज को अच्छे से भून लेना, फिर खट्टा कैरी डालने के बाद में नहीं भुने जाती प्याज। आप चाहे तो गुटली भी डाल सकते हैं। मैं जो कैरी ली उसमें गुटली नरम बीज की थी, वो गुटली नहीं निकली। कैरी भी डालिए आप, गुटली भी डालिए आप, और कैरी आप अपने हिसाब से डालिए, आपको जितना खट्टा होना उतना। मैं तो आधी करी डाली। कुछ देर के लिए अच्छे से भून लेंगे प्याज और टमाटरों को। अब हम इसमें ग्रेट करे सो करी को डाल देंगे। करियों का सीज़न चल रहा है, इस आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अच्छे से मिला लेंगे। अब हम ढक्कन ढाप के दो से तीन सीटी लगा लेंगे फिर से। चेक कर लेंगे, दो से तीन सीटी हो गई। अच्छे से भून लेंगे फिर से।
ये देखिए अच्छे से भुने गई प्याज टमाटे और कैरी का भी जो ग्रेट करके लाए थे वो भी नहीं दिख रहा। थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे हम, अपने अपने को जितनी जैसी होना ग्रेवी वो हिसाब से डाल लीजिए आप पानी, बहुत लूज भी नहीं रहना। थोड़ी कोथमीर काट के डाल देंगे। कोथमीर डालने के बाद में फिर से मिक्स कर लेंगे। अब हम ढक्कन ढाप के तेल आने तक लो फ्लेम पे पका लेंगे सालन को। ये देखिए रेडी हो गया सालन, तेल भी ऊपर आ गया। तो ये थी आज की रेसिपी हैदराबादी कैरी और गोश्त का दुप्याजे की। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।